देखिए आप स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर 11 पेज नंबर 68। ये सब क्या है, ऑप्शनल टॉपिक्स है। मतलब आपको देखिए पेपर जब आप खोलिएगा, पेपर में तो बहुत कुछ भरा हुआ रहता है। पेपर जब खोलिए तो जो ऑप्शन में रहता है वो भी आपका ना छूट जाए, इसके लिए वो सब टॉपिक भी कर ले रहे हैं हम लोग। फालतू टाइम बचा हुआ क्या करेंगे, बेरोजगारी बात समझे, उसको भी कंप्लीट कर ले रहे। अदरवाइज आपका जो मेन पढ़ाई है वो कंप्लीट हो चुका है, बात समझे। अब खाली आप प्रैक्टिस करते रहेगा। आप 2019 का ऑनर्स, 2019 का जनरल, 2021 का ऑनर्स, 2021 का जनरल, टैक्स में ये पेपर तो आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। देख देख के ही सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर लीजिएगा, जो सम्स नहीं बनेगा वहां से हेल्प ले लीजिएगा। उसमें से ऑलमोस्ट सम्स मेरा करवाया हुआ है, स्टिल अगर कोई सम्स में दिक्कत होता पूछ लीजिएगा। 19 का ऑनर्स 19 का जनरल और 21 का ऑनर्स 21 का जनरल, बस उससे पीछे टैक्स में जाकर फायदा नहीं। क्या है, उससे पीछे पुराना सिलेबस वाला क्वेश्चन, उससे बाद टाइम बचे तो पुराना सम्स ही कर लीजिएगा। लेकिन इतना ही क्वेश्चन आपका आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। 19 का ऑनर्स 19 का जनरल, 21 का ऑनर्स 21 का जनरल, आपको एक आइडिया आएगा। आइए चैप्टर 11 कोचिंग का बुक में पेज नंबर 68 आइए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। मिलो बाबू, देखिए कुछ टॉपिक का नाम देखिए क्या है। टॉपिक का नाम है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च क्या है, देखिए पीजीपीपी जो चैप्टर होता है ना बाबू, एक्चुअली पीजीपीपी चैप्टर बहुत बड़ा है, बट आप लोग के एग्जाम में क्या है, पीजीपीपी का सम्स दे दिया बस, आदमी उसी में खुश है। बट एक्चुअली अगर आप जाएंगे तो पीजीपीपी का जो सम्स है वो बहुत बड़ा सम्स होता है, क्योंकि पीजीपीपी में क्या होता है, बहुत सारा क्या, जैसे डेप्रिसिएशन, वो भी पीजीपीपी का ही पार्ट था। डेप्रिसिएशन भी पीजीपीपी, ये जो पढ़ा रहा है वो साइंटिफिक रिसर्च, ये भी बेटा पीजीपीपी का ही पार्ट है, बस समझ रहे ना। तो भाइयों और बहनों, साइंटिफिक रिसर्च में क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं। बात नहीं बाबू, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम लोग का देश में कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाया गया है। किस चीज के लिए बताइए, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप पैसा खर्चा करिएगा तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस डिडक्शंस अलाउड किए गए। तो क्या क्या एग्जेम्पशन उसके लिए है वो आपको हम अभी बताने के लिए जा रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च में अगर कोई आदमी पैसा खर्चा करेगा तो क्या डिडक्शन मिलेगा, कैसे डिडक्शन मिलेगा। प्री नंबर निकालिए, प्री नंबर कितना बोलिए, वो तो हम बोलेंगे, प्री नंबर 68। देखिए छोटा सा यूनिट है, मे कम और मे नॉट कम, वैसा टॉपिक है ये। साइंटिफिक रिसर्च मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ नेचुरल अप्लाइड साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज। कोई भी फील्ड में जब आप नॉलेज को एक्सटेंशन करने के लिए खर्चा करते हैं उसको साइंटिफिक रिसर्च। रिसर्च समझते हैं क्या होता है, रिसर्च क्यों होता है बताइए। वेरी गुड, रिसर्च इज डन टू इनोवेट समथिंग न्यू। रिसर्च किसी नया चीज को करने के लिए क्या होता है, नया चीज को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं बताइए, रिसर्च। तो रिसर्च से रिलेटेड देखिए क्या है, रिसर्च दो तरह का होता है, एक है उसमें इन हाउस और एक होता है आउटसाइड इंस्टीट्यूशन। दोनों का अंतर मंतर, दोनों में अंतर मंतर बोले, दोनों में अंतर क्या है बताइए। इन हाउस का मतलब होता है खुद रिसर्च के, खुद कौन किए, खुद कौन किए, खुद कौन किए, खुद खुद रिसर्च किए, ये हो गया इन हाउस। इन इन एक ही बार ये क्वेश्चन आया है बस अभी तक, इन हाउस। और बाहर का एजेंसी से करवाए ये क्या हो गया बताइए, आउटसाइड। सिंपल, इन हाउस और क्या बाबू, आउटसाइड। अब इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च में दो ही तो खर्चा होगा, क्या क्या खर्चा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गाइस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेगुलर खर्चा। कैसा खर्चा बोलिए, प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो रेगुलर खर्चा है, बात समझे, जो भी मेरा रेवेन्यू खर्चा होगा, जैसे सैलरी हो गया, स्टाफ का कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, या फिर कोई भी रेगुलर खर्चा हो गया, फुल्ली अलाउड। कैसा अलाउड देखिए, फुल्ली अलाउड, कैसे अलाउड बोलिए, रिसर्च डन बाय एसएससी हिमसेल्फ इज फुल्ली अलाउड। फुल्ली क्या बाबू, अलाउड। रिसर्च जो लोग खुद से करेंगे वो क्या है बताइए, वो फुल्ली अलाउड। फुल्ली क्या बाबू, फुल्ली, यस। रिसर्च, बात को समझिए, रिसर्च कितना तरह का होगा बताइए, दो, एक तो इन हाउस और एक तो क्या बाबू, आउटसाइड। एक तो इन हाउस और एक तो क्या बोलिए, अगर बिजनेस का अपने से करेंगे रिसर्च तो क्या बोलेंगे, इन हाउस, और अगर बाहर के आदमी से करवाएंगे, आउटसाइड। और अगर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च है उसमें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो पूरा डिडक्शन है, देखिए लिखा होगा, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेड आउट ऑन साइंटिफिक रिसर्च ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन। रूल समझे कि नहीं समझे बोलिए, रूल समझे कि नहीं समझे बोलिए, बोलिए ना जी। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हैं, बिग एक्सपेंडिचर वन टाइम, जैसे बिल्डिंग खरीद ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए
ऑल कैपिटल एक्सपेंस एक्सेप्ट एक्विजिशन ऑन लैंड. सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आर अलाउड इन फुल लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बात को समझिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पूरा अलाउड है सिर्फ एक कैपिटल एक्सपेंडिचर छोड़ के. अगर लैंड खरीदे तो नहीं, तो पूरा अलाउड नहीं. फॉर एग्जाम्पल मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, जैसे आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ाने के लिए मेरा दोनों खर्चा है, एक तो रेवेन्यू, एक तो क्या बताइए कैपिटल. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो मेरा रेगुलर खर्चा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो मेरा वन टाइम खर्चा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या बताइए, जो मेरा रेगुलर खर्चा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या बताइए, मेरा जो वन टाइम खर्चा है. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रेगुलर एक्सपेंसेस. तो मेरा रेगुलर एक्सपेंसेस जो भी है वो हमको फुली अलाउड हो जाए. जैसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर खरीदे, एसी लगाए और एक तो बिल्डिंग खरीद लिए, ये सब मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. तो बोला सब खर्चा पूरा अलाउड होगा, सिर्फ एक खर्चा छोड़ो. कौन सा बोली, लैंड एक्विजिशन ऑफ लैंड. वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड इन एनी प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन सच एसेट. अगर कोई डिडक्शन पहले से अलाउड है तो दोबारा आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा. अच्छा, डिडक्शन 100% शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशन. और अगर बाहर वाला आदमी से करवाइएगा तो 100% डिडक्शन अलाउड. 100% डिडक्शन. बहुत इजी चैप्टर है, एक बार बताएंगे अभी समझ कराएंगे समझ जाओगे, कुछ है ही नहीं समझने लायक. बट प्रॉब्लम क्या है, ये सब ऑप्शनल चैप्टर है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा. आप बढ़िया से क्या करिए ना, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, रोज एक तो सैलरी का सम्स बनाइए, रोज एक तो हाउस प्रॉपर्टी का सम्स बनाइए. स्कैनर आपको दिया हुआ है, उसमें से कोई भी सम्स उठा लीजिए रैंडमली और बनाइए. और जहां दिक्कत होता है हमसे पूछिए, डिस्कस करिए, बात समझे ना. और आप लोग तो ऑफलाइन में आते हो तो ऑफलाइन वाले लोगों को तो और भी प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों को तो मान ली कभी कभी मैसेज नहीं देख पाए, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चों को तो देखिए प्रॉब्लम. आप लोगों का दुआ से प्रॉब्लम होता ही नहीं किसी को, इतना सारा बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा, 1400 स्टूडेंट हो गया सेम फोर में. लेकिन क्या है दिक्कत, क्या है वो लोग क्लास करता है, रिकॉर्डिंग वाला भी क्लास करते ना, कभी कताल किसी किसी का डाउट होता है. मतलब डाउट भी क्या ना, दो चार बच्चा ये स्पेसिफिक है वो लोग ही पूछते, बाकी बच्चे लोग को अपना समझ आते हैं वीडियो से ही, तो ज़्यादा छाप नहीं है. लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई डाउट हुआ तो अपना उसको डिस्कस कर ली, बात समझे, तो डिस्कस कर लीजिएगा तो अपना क्लियर हो जाएगा. प्रैक्टिस रोज एक तो हाउस प्रॉपर्टी तो सैलरी क्या है, 30 marks वहाँ से सिक्योर कर लीजिए टैक्स में, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी. कभी कैपिटल गेन का सम्स बना लीजिए रोज. अभी रोज क्या करिए ना, 2 घंटा कॉस्टिंग, 2 घंटा टैक्सेशन, रोज आधा घंटा इकोनॉमिक्स, आधा घंटा ईटीवी. इतना नहीं कर पाएंगे बताइए, इतना खराब थोड़ी आप लोग पढ़ने में. अभी से लेके एग्जाम तक बस 14 अगस्त तक करिए, फिर 15 अगस्त को आ जाइए, बस सकते फिर 16 अगस्त को जेल में, बस सकते 16 अगस्त को फिर सेम 5 का क्लास स्टार्ट होगा. देखिए कितना टाइम, लास्ट टाइम भी ऐसे ही स्टार्ट किए थे, 12 तारीख को एग्जाम स्टार्ट खत्म हुआ था, 14 से स्टार्ट किए, इसीलिए देखिए आज इस मुकाम पर बैठे हैं कि हम लोग हंस के रिविजन कर पा रहे हैं, तो अभी सिलेबस कर पा रहे. तो नहीं तो पढ़ाई इतना छोटा नहीं है रोज. देखिए अब आप देखते होंगे हम लोग अलग स्ट्रेटजी है. नॉर्मली क्या होता है कि स्टार्टिंग में टीचर उतना मेहनत नहीं करते, लास्ट में पकड़ा तरह मेहनत कर. हम लोग उल्टा स्ट्रेटजी है, हम लोग स्टार्टिंग में ही रोज पढ़ लेते, देखिए लास्ट में हम लोग क्या रहे, एक दिन क्लास करें एक दिन क्लास नहीं करें, कि अब जरूरत ही नहीं. इसी कारण माथा पे चाप फील नहीं हो रहा, लास्ट के लिए छोड़ देंगे ना, बर्थडे में आता है, कहीं तबियत ही खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम ही हो गया, इसीलिए कोई भी पढ़ाई हो तो पहले ही कंप्लीट कर लिया करिए, बस समझे, और अच्छा से करिएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम तो अच्छा जाएगा. देखिए इन हाउस वाला में 2 कैटेगरी, रेवेन्यू वाला पूरा अलाउड है, कैपिटल भी पूरा अलाउड है, सिर्फ क्या छोड़ के बताइए, लैंड एक्विजिशन ऑफ लैंड. और आउटसाइडर से करवाइएगा तो 100%. अब देखिए ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल सबमिटेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द प्रीवियस ईयर 21-22. कॉस्ट ऑफ लैंड 50, परचेज ऑफ मशीन 75, 80,000. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अब डायरेक्ट सम्स वाला पार्ट है, ये तो ऐसे डेमो दिया है, बस समझिए. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो खर्चा है, ये जो भी खर्चा हम करेंगे, तो पहले यहाँ पर पूरा थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी बस हमको इतना बता दी, साइंटिफिक रिसर्च करो, अभी सम्स करा के देखेंगे, बुक ले लीजिए आप. अच्छा लैंग्वेज ये तो उनका. अच्छा साइंटिफिक रिसर्च में क्या किससे किससे करा सकते हैं, अपने से या बाहर के आदमी से? अपने से भी करा सकते हैं और बाहर के आदमी से भी करा सकते हैं. अगर अपने से कराएंगे तो उसमें कितना टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, तो क्या क्या बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कौन सा एक्सपेंडिचर बाबू, कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा अलाउड होगा ना, कुछ छूट मिलेगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे अलाउड होगा बताइए, पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फुली अलाउड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फुली अलाउड. और अगर मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उस केस में पूरा अलाउड होगा, सिर्फ कौन सा चीज छोड़ के बताइए, लैंड. और अगर बाहर का आदमी से करवाते हैं तो 100%, यस. अगर बाहर के आदमी से कराएंगे तो कितना अलाउड होगा बाबू बताइए, 100%. कितना परसेंट बताइए, 100%. चलिए कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या चीज,
हस्बैंड हस्बैंड्री कहाँ है जी? सबसे ऊपर में देखिए सर, वो एनिमल हस्बैंड जो होता है, वो जानवर फार्मर वाला जो होता है जी, जानवर फार्मर को नहीं समझते हो? चलिए स्टार्ट करें, सम्स करते, निकाली कॉपी, कॉपी निकाल के बैठे हो ना, कॉपी निकाली, हस्बैंड मत समझिए आप, जानवर फार्मर वाला जो होता है उसको हस्बैंड्री बोलते हैं। एग्जाम में इंटरेस्ट लग रहा है, खत्म करते नहीं ले रहा है। चलिए निकालिए सम स्टार्ट कर, देखिए कितना इजी है, बहुत मजा आ गया करने में। चलिए 2019 का जनरल में ना बाबू साइंटिफिक रिसर्च वाला क्वेश्चन आया था, मिला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द पेज नंबर बताइए बाबू, From the following information, compute the admissible deduction under section 35. Diga? In the hands of Mr. B, right? For the assessment year? कितना दिया? 22-23 तो वो मेरे बुक में तो change है date. अच्छा पर्चे ये आपने पहले orally बताई हाँ? Ready? फिर sums बना के दिखाएंगे. Purchase machine 2.5 lakh का in-house research. In-house research क्या बोलते हैं? Allowed होगा कि नहीं होगा? होगा. खाली जमीन छोड़ के सब. Simple समझिए ना. जमीन एक एक local बात है, जमीन छोड़ के सब allowed है. एक वर्ड में चैप्टर खत्म, एक वर्ड में जमीन छोड़ के सवाल आओ, एक वर्ड में समझ ली, जमीन छोड़ के सवाल आओ। देखिए परचेज ऑफ लैंड होगा अलाउड नहीं, देखिए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऑफ 7,50,000 अलाउड होगा बताइए, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अलाउड होगा? होगा। हम क्या बोले, एक वर्ड में समझिए पूरा चैप्टर, एक वर्ड में पूरा चैप्टर कंप्लीट, जमीन छोड़ के सब, क्लियर? जमीन छोड़ के सब, खाली लिखने का तरीका सिखा दे रहे। IIT दिल्ली को दिए 64,000 रुपए डोनेशन दिया, IIT दिल्ली को दिया अलाउड, और कहाँ है जी, जवाब खत्म भी हो गया। कंट्रीब्यूशन टू IIT स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट पूरा अलाउड। हम क्या बोले, जमीन छोड़ के सब अलाउड। सर बनाएंगे कैसे सर, देखिए कैसे बनेंगे, कैसे लगा सम्स, वो खत्म हो गया तो 10 मार्क्स। हाँ आया हुआ है तो अभी से, मतलब पेपर का आया हुआ क्वेश्चन, पता आपको यही यही ट्रस्ट इशू के कारण हम पेपर वाला क्वेश्चन पहले कराते हैं। समझे नहीं समझे, जैसे अभी अभी देखिए आप एक चीज सोचो, जैसे अभी तक ये नहीं पढ़ाए थे हम, तो बहुत सारे बच्चों आप लोग कोई सोचते हो भाई क्या है भाई अजीब समझ रहे यार, तो अभी से करने से पहले तक तो आपको क्या लग रहा था कि अजीब चीज है, जब आप समझ गया लग रही थी बहुत ईजी, खाली लैंड छोड़ के सब आएगा, क्या छोड़ के बताइए लैंड, देख देख के बोले क्या क्या है, नाम बोलिए, आप लिखना भी पड़ेगा भाई, जैसे नहीं कि ओरली टिक मार के छोड़ दीजिए एग्जाम में। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन, इसीलिए इसे चैप्टर पहले नहीं करा है, कुछ ज्यादा ही इजी है, इतना इजी कर लेते ना बच्चे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते। अंडर सेक्शन 32 लाइन में लाइन बोलिए ना बाबू, परचेज ऑफ मशीन है ना, कितना बोलिए बाबू, उसके बाद दूसरा बोलिए, लैंड आएगा नहीं, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग राइट, कितना बोलिए ना सर, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कराएंगे ना, इसके बाद ऑनर्स वाला कराएंगे, उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू IIT राइट, IIT दिल्ली कितना 66,000, उसके बाद क्या बाबू, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिकल रिसर्च, शॉर्ट में लिख दे नाम बाबा, कोरिया पर लग रहा लिखने में, 45,000 जोड़ के बताइए कितना आएगा, बन गया सेंस, जोड़ के बोलिए कितना आएगा, देखिए बुक में आंसर 11,09,000 हो गया, 10 मार्क्स ले लिए, सही आएगा, आया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए इंटरेस्ट इशू का हम पहले ये वाला क्वेश्चन करा दिया, क्योंकि पहले बुक से करते ना, तो ये सवाल पहले आपको मन में आप बताइए, सिर्फ लैंड छोड़ के समय ये पूरा लेना है, बस इतना आप याद रखो, फोल्डर बना ले इसका साइंटिफिक रिसर्च,
ओके ठीक है बाबू ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। এই আমার নম্বরে পেমেন্ট করে স্ক্রিনশটটা পাঠাতে হবে, তারপরে প্লে স্টোরে গিয়ে আমাদের কোচিং এর অ্যাপ আছে ওটা ডাউনলোড করে নিলে বাস ওখানে আমরা অ্যাড করে দেবো তোমাকে। এটাই প্রসেস না, 16th অগস্ট থেকে তো ক্লাসগুলো স্টার্ট হবে, তুমি তো যে যখন তোমার কমফোর্টেবল তুমি অ্যাডমিশন নিতে পারো, এটা তোমার উপরে আছে। আগে সে 5 অ্যাডমিশন লাগে আছে সব এই কিছু ঠিক আছে। ক্লাস কব স্টার্ট হবে? ঠিক আছে ক্লাস 16 অগস্ট, রুকে পোস্টার ভেজে রে। चले क्या अगला क्वेश्चन करें? 19 का जनरल हो गया, 19 का ऑनर्स करते हैं। 19 का ऑनर्स देखते हैं, शायद हार्ड दिया हो, बहुत हार्ड दिया हो। बहुत कैसे कैसे लग रहा है बाबा, देखिए हार्ड क्वेश्चन है का। निकालिए पेज नंबर बताइए 19 का ऑनर्स वाला। 102 नहीं मिला क्वेश्चन, पेज नंबर 102 नहीं मिला। 102 वाला ऋतु बाला, ऋतु बाला, ऋतु वाला है। अभी देखिए ऋतु नाम है उसका, गलत मत समझिएगा। मिसेस ऋतु बाला इंगेज करती है, जूट बैग बनाती है, रिसर्च करने मांग रही है हमको से कम, मतलब खाली ओरली पहले क्वेश्चन सॉल्व हो ओरली। देखिए अगर एग्जाम में ही वाला देखिए क्यों करवा दिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप देखिए बेटा इसको करने में कम टाइम लगेगा, ये करके निकल 10 मार्क्स लेके निकल गए। अगला वाला बताइए अमाउंट पेड टू आईआईटी आएगा? हाँ आएगा, खाली हाँ या ना जवाब दीजिए। कोलकाता इंस्टीट्यूट आएगा? हाँ। एक साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ेगा? हाँ। परचेज ऑफ लैंड आएगा? और उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इनहाउस से जाएगा? बाबा एक वर्ड में तो बोले चैप्टर खत्म, पूरा आएगा लैंड को छोड़ के, इतना याद नहीं रहेगा। एक लाइन याद नहीं रखोगे, एक लाइन से 10 मार्क्स ऑनर्स का सम्स है। देख लीजिए, देख लीजिए गांव वाला हालत, देख लीजिए ये ऑनर्स का सम्स है। लेकिन किसके लिए? जिसको आता है, जिसको नहीं आता है ऑनर्स का सम्स देख ले रहा हूँ, ऑनर्स सुन के हार्ट अटैक आएगा। क्या है इसमें? खाली रूल पता रहना चाहिए, रूल का गेनर हो आप, सब कुछ आएगा। किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? बस खत्म, एक वर्ड में सब कुछ है। किसको छोड़ के? आप गलत समझ रहे हैं, आप तो कुछ और समझ ले रहे हो। आ जाओ इधर देखिए, बना रहे सम्स 10 मार्क्स ऑनर्स वालों। कंप्यूटेशन और डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, देख के बताओ ना, देख के बताओ ना। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। अब आइए देख देख के बोलिए, पेड टू आईआईटी, पेड टू आईआईटी कितना बोले आप? एग्जाम में ना पूरा सेंटेंस लिख दीजिए अच्छे से, क्या इतना इजी क्वेश्चन है, बेरोजगारी रहेगा कुछ तो काम नहीं, अच्छे से लिख देना। अमाउंट बोलो कितना आएगा? 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट बोलो, पेड टू नहीं बोलिए, आप खुद करने में बिजी हो इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए अच्छे से, देखते। उसके बाद कोई बोल नहीं रहे हो, पेड टू क्या? अरे भाई इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म मत पूछिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम है। कितना बोलिए? 3 लाख। उसके बाद जमीन लेंगे, जमीन लेंगे, जमीन जमीन लेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना बोलिए? जुड़ के बोलिए 5 लाख। छापो 19 ऑनर्स डन, 19 जनरल डन। ऐसे कुछ एग्जाम है आज आपका क्लास में आना सफल हो गया होगा वासन ने, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, अगर अच्छा जनरल ऑनर्स में से किसी का भी ऑप्शन में भी अगर आता है तो आप तो गेनर हो गए, बात समझे, ऑप्शन में भी अगर आता है तो आप तो गेनर हो गए। कहे हम बड़ा सम्स नहीं करेंगे, ये लेसन अटेम्प्ट करेंगे। हाँ एग्जाम में थोड़ा अच्छा से लिख दीजिएगा, पूरा बड़ा करके लिख दीजिएगा, बस जो सब दिखा हुआ है।
सब कुछ आएगा सिर्फ इसको छोड़ के लैंड कहाँ जाएगा बाबू ऐसे लिखने नहीं टाइप सर हम कुछ तो अपने लिख लिया ऐसे सब कुछ हो गया क्या कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर सिक्स कोचिंग का बुक निकालिए पेज नंबर बताइए 69 क्वेश्चन में आशा है कुछ पेज नंबर 68 में 69 पेज नंबर 69 कोचिंग का बुक में पेज नंबर 69 ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों वीडियो को फैला दो आपका तरह फैला दो 10 मार्क्स फ्री में दे रहे आज लिखिए मिसेस नॉर्थ इंडिया है ना जी अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन में आते उतना इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे कुछ पेज नंबर बताइए कोचिंग का बुक से 69 कॉस्ट ऑफ लैंड आएगा आएगा परचेज ऑफ मशीन आएगा सैलरी टू रिसर्च पर्सनल मटेरियल और नेशनल लाइब्रेरी सब आएगा किसको छोड़ के लैंड खत्म हो गया समस्या 5,25,000 नहीं बुक में तो आंसर दिखा रहा अलग बुक में आंसर बुक में आंसर उतना नहीं है बुक में दूसरा आंसर दिखा रहा जी कहीं आप गलत तो नहीं पढ़ देख लो बुक में तो 5,75,000 दिखा रहा है करके देखते हैं 5,75,000 बुक में दिखा रहा है आप लोग कितना है वो बोले 5,25,000 ज्यादा ही मजा आ रहा है सब ना देखो ये बच्चे लोग क्या है इतना इजी क्वेश्चन में गलत करके आ रहे हम लिख नहीं रहे आप खुद लिख लीजिए बाबा लैंड छोड़ के सबको जोड़ दीजिए लैंड छोड़ के सबको जोड़ दीजिए खुद से करिए कोचिंग का बुक से खुद से कर लीजिए ना 2 मिनट तो लगेगा खुद से कर लीजिए अब सी कर रहे क्या बाप रे बाप अब आइए कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 अब बोल दे रहे आप बना लेना ठीक है इसका आंसर 5,75,000 आया होगा सब तो बोल ही दिए थे वन वाला बताइए परचेज ऑफ लैंड आएगा परचेज ऑफ लैंड आएगा नहीं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आएगा हाँ मशीन आएगा हाँ से रिसर्च पर्सनल आएगा हाँ पेज नंबर 68 में क्वेश्चन नंबर 1 पेमेंट टू कोलकाता यूनिवर्सिटी आएगा हाँ सब आएगा किसको छोड़ के बताइए लैंड पूरा चैप्टर एक वर्ड में कंप्लीट है एक वर्ड में चैप्टर कंप्लीट है सब की जो आज भी किसको छोड़ के लैंड थैंक यू सो मच चैप्टर कंप्लीट 10 मार्क्स ले लीजिए